हेलो वंस अगेन, आवाज आ रही है बेटा मेरी? एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हो आप मुझे? कौन कौन लाइव जुड़े एक बार रिस्पांस करिए, हाय हेलो किसी तरीके से। जो बच्चा लोग लाइव जुड़े हुए, कम ऑन हरी अप फास्ट। गुड इवनिंग रितु, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चा लोग। सुन पा रहे? हेलो बच्चा, हेलो। यम माई ऑडिबल, यम माई ऑडिबल। हम गुड, हम बढ़िया। आप कैसे हो बच्चा? हम सब सब बढ़िया, भले चंगे हैं। आप अपने बारे में बताइए, आप सब कैसे हो? चलिए शुरू करें हम आज का डिस्कशन, जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड डिस्कशन है। जुड़ गए जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ रहे हैं। एवरीवन्स लाइव, आपके दोस्त भाई बहन जो नहीं आए हैं उनको बोल दो लाइव आने के लिए। बता दो, घोषणा कर दो कि यस क्लास शुरू हो गया है। चलिए मैं शुरू करता हूँ, एक एक करके सभी लोग ध्यान दें। अभी मेरे तरफ हम क्या बात कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम डिटेल में यूट्यूब में ऑलरेडी लेक्चर डाल चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो अभी भी मौका है, आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे आपको कैश फ्लो के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक क्विक रिकैप करवा देता हूँ बेटा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश विच इज डिवाइडेड विच इज गिवन इन टू द समरी फॉर्म। समरी फॉर्म में इनफ्लो एंड आउटफ्लो दिया हुआ रहता है। देखा जाए तो इनफ्लो आउटफ्लो तो कैश बुक से भी पता चलता है। ये रिसिप्ट यानी इनफ्लो होता है पेमेंट, मतलब आउटफ्लो होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो बेटा इसलिए क्योंकि इट्स गोइंग टू गिव यू द समरी ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। देख समरी तो देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट से भी पता चलती है। सर समरी का मतलब क्या होता है, जरा यहाँ पे देख। परचेज परचेज दो ट्रांजैक्शन है, सैलरी सैलरी दो ट्रांजैक्शन है, या दोनों को मिला के एक साथ लिख दिया, परचेज दोनों का मर्ज कर दिया, सैलरी मर्ज कर दिया। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑल्सो गिव यू द समरी। तो कैश फ्लो क्यों बनाना पड़ा? तो इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक बट इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो हम क्या करते हैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, और वो स्टेटमेंट को क्या बोल देते हैं हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश विच इज डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरी, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी फर्दर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम फर्दर कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, दो। क्या हो जाता है? एक हो जाता है डायरेक्ट, दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट। बॉडी में गया था थम्सअप। तो ये सारा डिटेल मैंने रेगुलर क्लास में जो यूट्यूब पे अपलोडेड है उसमें कर रखा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के दो तरीके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के दो तरीके। बाकी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो एक ही तरीके से निकलता है, इसके अकाउंट बनाने पड़ते हैं आपको। इसके क्या बनाने पड़ते हैं अकाउंट? क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लियर है क्या यहाँ तक? हमने देखा था आपको ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आया प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने से रिलेटेड आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में जो आने के चांसेस रहेंगे वो ऑपरेटिंग। अगेन मैं बोल रहा हूँ बेटा यूट्यूब पे वो मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, चार लेक्चर 4 घंटे की बात है। ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट फुल फ्लेज अपलोड कर रखा है। आपसे रिक्वेस्ट है गो एंड वॉच दैट लेक्चर्स, ठीक है, अगर आपने नहीं देखे है तो। चलिए हम और समय न बर्बाद करते हुए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैं बता चुका हूँ, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश बताता है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। AS3 गवर्न करता है कैश फ्लो को। टाइप ऑफ कैश फ्लो बता चुका हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एडजस्टमेंट्स है उसमें कुछ, प्रिपरेशन है ये सब, इस ये जो है इनके लिए डिफरेंट मेथड अप्लाइड, ये जो है इसके लिए यू आर गोइंग टू वॉच द लेक्चर्स, ठीक है। कैश फ्लो फंड फ्लो तो वो चैप्टर खत्म हो जाता है। हम समय न बर्बाद करते हुए लेट्स कम टू द MCQ। हमारा जो MCQ पार्ट है उस पर आ जाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लाइव वोटिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लाइव वोटिंग लिंक पे क्लिक कीजिए और MCQ के लिए ज्वाइन कीजिए। कम ऑन हरी अप फास्ट, आई वुड रियली लाइक एवरी वन टू ज्वाइन दिस लिंक फास्ट फास्ट, ताकि हम डिस्कशन शुरू कर सके। आई विल वेट फॉर यू टू ज्वाइन। डिस्क्रिप्शन पे जाइए बच्चा लोग, लिंक ज्वाइन करिए। विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स, जब तक आप ज्वाइन करिए। मैं यू गया यू आया, ज्वाइन करिए फटाफट।
हाँ चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आज के डिस्कशन का। सबसे पहला पहला सवाल आप सबके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे है। थैंक यू गौरव, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आई गॉट न्यू स्पेक्स। ठीक है चलिए लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आप सबके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, डिपेंडिंग अपॉन आप जो भी डिवाइस वापर रहे हो उस पर। फाइनेंसिंग कंपनी के लिए डिविडेंड जो रहता है वो ऑपरेटिंग रहता है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं। डिविडेंड वैसे देखा जाए तो वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बट फॉर फाइनेंस कंपनी इट्स ऑपरेटिंग, फॉर फाइनेंस कंपनी इट्स ऑपरेटिंग। चलिए नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में घुमा घुमा के पूछ सकता है कि फाइनेंस कंपनी के लिए डिविडेंड क्या, अलग अलग तरीके से पूछता है वो, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। रूल उल्टे लगते ना वर्किंग कैपिटल डिक्रीज के। हाँ द करेक्ट आंसर इज डिक्रीज इन करंट एसेट। देख एसेट का वैल्यू कम हुआ तो नुकसान है, एसेट का वैल्यू कम हुआ तो नुकसान है, लेस होना चाहिए। बट वर्किंग कैपिटल में उल्टा जा रहे हैं ना, उल्टा जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, सिर्फ वर्किंग कैपिटल पूछा है उसने, सिर्फ वर्किंग कैपिटल पूछा है। कैश फ्लो में क्या इफेक्ट देंगे वो नहीं पूछा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो डिक्रीज इन करंट एसेट से वर्किंग कैपिटल कम होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट से वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी से भी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएंगे। सिर्फ ये वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट पूछ रहा है, कैश फ्लो का नहीं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट से क्या होगा? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट से आपका ये जो है वह एसेट है, स्टॉक कम होगा लाइबिलिटी बढ़ेगा, तो उल्टा वर्किंग कैपिटल वो नहीं है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट से क्या होगा? स्टॉक कम होगा और डेटर्स बढ़ जाएंगे ना। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट से स्टॉक कम होगा, डेटर्स बढ़ जाएगा, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, रिजल्ट बोर्ड में गौरव लीडिंग द चार्ट विद सिम फॉलोड बाय सिम्बा देन यशवंती। चलो नेक्स्ट अगला सवाल आप सबके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, तड़कता भड़कता पेस है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय कंपनी, फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है ये, नॉर्मल है। हाँ तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इट वुड हैव बीन फाइनेंसिंग कंपनी तो वो ऑपरेटिंग रहता, बट नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो इन्वेस्टिंग, जहां पैसा इन्वेस्ट किया उससे आपको इंटरेस्ट मिला है। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग कंपनी है, अभी बताया हो बच्चा फाइनेंसिंग कंपनी के साथ क्या होता है? फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग रहता ना रे बेटा। फाइनेंसिंग देख ढंग से पढ़, व्हाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्स वाई जी लिमिटेड अ फाइनेंस कंपनी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन शुड बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट लीडर बोर्ड चेक कर लो फटाफट, कौन ये सब बच्चा जिन्होंने सही जवाब दिया, गुड कॉन्ग्रेचुलेशन। लीडर बोर्ड में थोड़ा उथल पुथल तो होगा। गौरव स्टिल मेंटेनिंग द पोजीशन फॉलोड बाय निशांत बर्लिन, फास्टेस्ट वॉज तन्मय, गुड। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल अब सबके सामने तड़कता भड़कता पेश है। हाँ एट पर एस थ्री कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स, क्या क्या आता है कैश इक्विवेलेंट में?
आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. उसमें कैश बैंक तो आता ही है, साथ साथ में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, मनी मार्केट फंड, ये सब आता ही. तो वाव मोमेंट हो गया. यूरी वन हैड गिवन द करेक्ट आंसर. शाबाश दो खुद को, पीठ थपथपाओ अपनी. शाबाश बोले थे, शाबाश बोलो अपने आप को. अगला सवाल, अब सबकी श्यामणी पीस है. कैश पेमेंट टू एन एम्प्लॉई ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अगर हमने एम्प्लॉई को पैसा दिया तो कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और नन ऑफ द अबव. एक्चुअली इट्स एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर डायरेक्ट मेथड. ठीक है, ऑपरेटिंग में डायरेक्ट भी होता है. आपको लग रहा होगा सर इनडायरेक्ट में तो इज्जत नहीं देते उसको. नहीं, डायरेक्ट मेथड में है ना, ऑपरेटिंग है वो. इनडायरेक्ट में हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पे इज्जत देते, तो कैश सैलरी जो है वो ऑपरेटिंग होता है. लीडर बोर्ड चेक कर ले फटाफट, लीडर बोर्ड चेक कर ले क्या पोजिशन बनती है. गौरव लीडिंग, आई थिंक गौरव कौन था फास्टेस्ट? तन्मय, तन्मय अगेन फास्टेस्ट. तन्मय धीरे धीरे फास्टेस्ट होके पोजीशन तो गेन कर रहा है, दैट्स गुड. गौरव स्टिल मेंटेनिंग द पोजीशन, देन निशांत, देन तन्मय. अगला सवाल अब सबके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा. कार्तिक नहीं आया क्या आज? कार्तिक कहाँ है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज अ कैश फ्लो फ्रॉम. एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी. इससे सोपी क्वेश्चन नहीं हो सकता. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन है ये फाइनेंसिंग वाला? अरे रट रहा है क्या तू? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही होगा ना. नेक्स्ट, अगले सवाल आपके सामने पेश है. हाँ, इनकम टैक्स पेड इज ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये बताओ. और ये नॉट शोन एनीवेयर. ये कौन है? ये कौन है? ये कहां से आते हैं ये लोग? अरे बेटा, इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट इज शोन सेपरेटली अंडर द हेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओनली ना. देखते हैं लीडर बोर्ड में क्या बोलते हैं आपकी पोजीशन. द फास्टेस्ट, फास्टेस्ट वॉच अगेन तन्मय. क्या बात है तन्मय, दिल जीत लिया आज तो तुम्हें. एकदम धड़ाधड़ फास्टेस्ट रह रहे हो, टॉप 3. कंपटीशन है आप लोगों के लिए, गौरव निशान. उसका गैप ऐसे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा. स्पीड बढ़ाओ. चलो या स्लो एंड स्टडी वाला फंडा वापरते रहो. ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ. हाँ ये बताओ, पहले क्या आता, फिर क्या आता, फिर क्या आता. इसका मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बताया था आपको, दो एब्रीवेशन बताए थे याद रखने का तरीका. सीक्वेंस सोच ले, तेरा कोड क्या होगा वो डिसाइड कर ले, फिर डायरेक्ट आंसर पुट करते वक्त गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. चलिए आंसर्स पुट करिए. हाँ आंसर क्या बनता है? ओ इफ बनता है. आंसर क्या बनता है? ओ इफ. ओ इफ मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. तो बेटा देख ले, ऑपरेटिंग 3 नंबर पे वो पहला हो जाएगा. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, 3-1-2, 3-1-2, ये डी ऑप्शन में था. डी ऑप्शन करेक्ट था. चलिए नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. प्रॉब्लम नंबर 10. अगेन अ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, अगेन अ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस. कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम अ क्लासिफाइड एश. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. क्लियर है क्या? कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम
विल बी क्लासिफाइड अंडर ये। चलो देखते हैं अगला सवाल। अगेन तन्मय वॉज द फास्टेस्ट, तन्मय वॉज द फास्टेस्ट, स्टिल टॉप 3 पोजिशन मेंटेन है। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्या होगा। वाइल एनालाइजिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व। टोटल इंक्रीज इन द एसेट इज 20,000, टोटल इंक्रीज इन द लाइबिलिटी 80,000 एंड टोटल डिक्रीज इन द करंट एसेट 1,30,000 एंड डिक्रीज इन द करंट लाइबिलिटीज 30,000। द नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल बोल रहा है, ये कैश फ्लो का इम्पैक्ट नहीं पूछ रहा है, वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट बोल रहा है। कर लो कैलकुलेट कर लो, जस्ट प्रोवाइडिंग यू विथ सम टाइम, 60 सेकेंड है, जल्दी आंसर निकाल लो इसका। क्या लगता है आप क्या होगा नेट कैपिटल के साथ में? गाइज रेडी विथ योर आंसर्स, रेडी विथ योर आंसर्स, पुट करें ऑप्शन। शैल आई पुट द ऑप्शंस? चलिए ऑप्शन पुट कर रहे हैं आपके सामने। None of the above was the correct answer. अब देखते हैं आपका, कई बच्चों का 1,60,000 का इंक्रीज बोल रहे हो आप। लेट मी मेक इट, लेट सी कैसे बनाया आप लोगों ने। मुझे नहीं पता सही आंसर क्या है, वैसे तो वो नन ऑफ द अबव आंसर बोल रहा है, बट आंसर क्या होना चाहिए उस पर चर्चा करते। देख एनालाइजिंग द अबाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग शीट ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग वे ऑब्जर्व द टोटल एसेट्स इंक्रीज इन करंट एसेट्स है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट कितने से बढ़ गए तेरे? 20,000 से, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला हुआ है? टोटल इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कितने से बढ़ गई तेरी? करंट लाइबिलिटी बढ़ गई तेरी 80,000 से। कहाँ चला गया? करंट लाइबिलिटी बढ़ गई तेरी 80,000 से। टोटल डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कम हो गए तेरे 1,30,000 से, ठीक है। उसके अलावा द टोटल डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी तेरी कम हो गई 30,000 से। देख बेटा करंट एसेट्स बढ़ गए मतलब तेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, इसको ऐड कर दे। कायदे से कैश फ्लो स्टेटमेंट में होना चाहिए ऐड, जा रहे उल्टा तो लेस होता है। मैं अभी वर्किंग कैपिटल चेंज निकाल रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल में क्या इंपैक्ट होगा। करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ गई तेरी, करंट लाइबिलिटीज बढ़ गई तो वर्किंग कैपिटल कम होता है, इसको माइनस कर। करंट एसेट्स कम हो गए, एसेट्स कम हो गए तो वर्किंग कैपिटल भी कम होगा, इसको माइनस कर। करंट लाइबिलिटीज कम हो गई तो वर्किंग कैपिटल बढ़ता है, इसको ऐड कर। इसका आंसर निकाल तो क्या आता है? बीस हजार माइनस 80,000 माइनस 1,30,000 प्लस 30,000, आंसर है 1,00,000।
60,000 से डिक्रीज है, तो बेटा देख ये इंक्रीज बाय 1,60,000 है, आंसर -160 आता है, -160,000, और ये डिक्रीज बाय 60,000 है, तो आंसर नन ऑफ द अबव रहेगा। आंसर नन ऑफ द अबव क्यों है, क्योंकि नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 1,60,000 है, नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज 1,60,000। बॉडी में गया है तो थम्सअप दे दो, बॉडी में गया है तो थम्सअप दे दो बेटा, क्लियर है क्या? हाँ या ना, फटाफट थम्सअप दे दो, अगर समझ में आ गया होगा तो, सो दैट आई कैन मूव फर्दर, आई कैन मूव फर्दर, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर रिपीट लास्ट स्टेप, ओके रिपीट लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप मतलब मैंने इनका प्लस माइनस क्यों किया, एसेट बढ़ गए तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है ना, तो अगर मेरा ये बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो ऐड करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो ये माइनस करना पड़ेगा, वाइस वर्सा एसेट्स कम होंगे तो ये माइनस, वर्किंग कैपिटल कम होगा ना मेरा, ए माइनस बी, याद कर बचपन का रूल, बड़े में से छोटा तो छोटा, बड़े को तो छोटा कर रहा है तो चीज़ें छोटी होती जाएंगी ना, और ये अगर तेरे कम हो गए तो तेरा फायदा होगा, बढ़ जाएगा वो, नेगेटिव बैलेंस कम होगा तो पॉजिटिव बैलेंस बढ़ेगा ना, तो वही किया हमने, करंट एसेट्स तेरे कम हुए तो ऐड हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज तेरी बढ़ गई तो लेस हो जाएगा, करंट एसेट्स तेरे कम हो गए तो माइनस हो जाएगा, और करंट लाइबिलिटी तेरी बढ़ गई या कम हो गई तो ऐड हो जाएगा, अभी समझा क्या? चल अगले इसके तरफ चलते, अगला सवाल अब सबके कंप्यूटर स्क्रीन पे तड़कता भड़कता पीएसए। अच्छा क्वेश्चन है, जो इसका जवाब सही दे दिया उसने पक्का एग्जीक्यूटिव का सीएमए पेपर निकाल लेना है, सीएमए पक्का पास है, वो अकाउंट्स में पक्का पास है जो इस सवाल का जवाब सही देंगे। एग्जैक्टली, इश्यू ऑफ राइट शेयर, बोनस की वजह से कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता, डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी नॉन कैश है, पेमेंट ऑफ टैक्स कैश एक्सपेंडिचर है बट प्रोविजन इज नॉन कैश, सिर्फ राइट इशू करते तो पैसा आता है, शेयर्स देते पैसा आता है, तो इनफ्लो ऑफ कैश सिर्फ राइट इशू में होता है बाकी जगह पे नहीं, ठीक है? जिन्होंने जवाब नहीं दिया वो फेल हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने जवाब दिया वो पक्का पास हो जाएंगे, जिन्होंने जवाब नहीं दिया उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओहो टॉप 3 गड़बड़ कर दिए ये तो, निशान गॉट द लीड फॉलोड बाय तन्मय गौरव एंड कार्तिक, चलिए अगला सवाल आपकी श्रावणी, टॉप 3 में रहना भी प्रेशर बना देता है सर, है ना? पेमेंट ऑफ सैलरी एंड रिसीट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स विल बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वेज एक्विजिशन ऑफ इक्विपमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, बोरोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, एंड पेमेंट ऑफ लोन पेमेंट एंड टैक्सेस, ये जो है पेमेंट ऑफ लोन की अगर बात करेंगे तो लोन जो पेमेंट कर रहे हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और उसी के ऊपर में टीडीएस वीडीएस भी फाइनेंसिंग में आएंगे, सिर्फ सैलरी और सेल ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग में आता है। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार ढंग से, ऑप्शन सेलेक्ट कर लो कि कौन सा ऑप्शन देना है, ठीक है? कम ऑन हरी अप फास्ट,
हाँ चलिए वोट डालते हैं, फटाफट वोट डालते हैं। डालिएगा वोट। फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग ऑप्शन क्या है देख, व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स एसेट्स अक्वायर्ड ऑन डिफर्ड पेमेंट इंक्लूड्स बोथ इंटरेस्ट एंड लोन, द इंटरेस्ट एलिमेंट इज क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग, क्योंकि आपने अक्वायर करने के लिए वो किया है, एंड द लोन एलिमेंट इज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग, ऐसा बोल रहा है वो। चलो नेक्स्ट। लीडरबोर्ड पोजीशन देख लो आपकी, लीडरबोर्ड। चलो ठीक है, कार्तिक, आई थिंक कार्तिक कहाँ थे तुम अभी तक? कार्तिक वॉज द फास्टेस्ट, गॉट ऑन द थर्ड पोजीशन। निशांत स्टिल मेंटेनिंग द लीड। तन्मय सेकंड पोजीशन पे है। गौरव एक पोजीशन नीचे आ गए, फोर्थ पे आ गए। कोई बात नहीं, कवर करना है, बदला लेना है बदला। लास्ट सिक्स क्वेश्चन, आई थिंक सिक्स, लास्ट सिक्स क्वेश्चन फास्ट। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एन एसेट विल बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टिंग, सेल ऑफ एन एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट अगला है, देख लो बड़ा क्वेश्चन है, जरा हल्के से पढ़ लो उसको। कम ऑन, रेडी विथ योर आंसर्स, रेडी विथ योर आंसर्स, वोट डाले। जल्दी जल्दी जल्दी, एवरी वन हैज वोटेड एंड द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्या क्वेश्चन था एक बार देखने दो। स्काई लिमिटेड परचेज अ स्पेशल मशीनरी फ्रॉम अर्थ लिमिटेड फॉर 50 लाख इन अ कंसिडरेशन ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच ऑफ द कंपनी, वेयर द ट्रांजेक्शन विल रिफ्लेक्ट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेरे को एक चीज बता, मशीनरी आई, बदले में शेयर्स दिया, तो कहीं भी कैश फ्लो है क्या? मशीनरी नॉन कैश, मशीनरी आई बदले में शेयर्स दिया, तो कैश एक्टिविटी हुई कि नॉन कैश एक्टिविटी हुई, जवाब दे। मैंने अगर कैश दिया रहता तो वो कैश एक्टिविटी होती थी ना, समझाया तो थम्स अप दो फटाफट। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। व्हाई इट इज नन ऑफ द अबव, ये समझा क्या? व्हाई इट इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि वहां पे कैश का ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, नॉन कैश है वो ट्रांजैक्शन।
अगेन कार्तिक वॉज द फास्टेस्ट तन्मय, कार्तिक कंपटीशन दे रहा है, टॉप थ्री में क्या आ गए तुम तो, रिलैक्स ही हो गए तन्मय। हाँ जी कार्तिक वॉज द फास्टेस्ट, वही हुआ था तन्मय, जो तूने किया वो कार्तिक कर रहा है अभी, धीरे धीरे फास्टेस्ट रह के लीड हासिल कर लेंगे वो। चलो अगला रहेगा, अगला सवाल आप सबके सामने, लास्ट फोर क्वेश्चंस फॉर द डे। एज पर एस थ्री, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस शुड बी क्लासिफाइड एज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। कितने लोग हैं जिन्होंने बोथ को टिक किया, दो ही लोग हैं। बेटा आपको नहीं लगता है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ये इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाली इनकम है, इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग नहीं है ना। रटने वाले लोग फाइनेंसिंग लिख के आते हैं, उन लोग क्या वर्ड लेते हैं, इंटरेस्ट डिविडेंड हमेशा फाइनेंसिंग है। दिया तो फाइनेंसिंग है, लिया तो इन्वेस्टिंग है, रिसीव्ड बोला है। अगला सवाल, अब सबकी सामने पीस है, नॉट अ पार्ट ऑफ बोला, नॉट अ पार्ट ऑफ, मशीनरी खरीदा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बाकी सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी था ना। पेमेंट ऑफ सप्लायर टू मशीनरी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, रेस्ट ऑफ देम इज रॉ मटेरियल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था। चलो कोई बात नहीं, क्लासिफिकेशन में ही गड़बड़ है रे, ऐसा कैसे। अगेन कार्तिक वॉज द फास्टेस्ट, आई थिंक नाउ कार्तिक गॉट लीड, यस कार्तिक ऑन द टॉप फॉलोड बाय निशांत, तन्मय, बर्लिन, गौरव। गुड कार्तिक, अच्छा रिकवर किया। चलो अगला सवाल, लास्ट दो क्वेश्चंस है, कांटे की टक्कर। वे ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो लिखो फटाफट। नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या इसमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंपोनेंट नहीं है? चार्जिंग डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। अब चलो अब दिमाग चलने लगा आपका भाई, डिप्रिसिएशन नॉन कैश है, वो कैश फ्लो में नहीं आता, अदर्स आर कैश ट्रांजैक्शंस। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, देन विल डन। अच्छा कल क्लास नहीं होगा, सैटरडे संडे यू विल हैव लीव, डायरेक्टली वी आर गोइंग टू मीट ऑन मंडे फॉर 10th चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कल क्लास नहीं है, परसों क्लास नहीं है, मंडे क्लास होगा हमारा, जब हम 10th चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, आई थिंक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड 10th चैप्टर। When equipment is sold for cash, the amount received is reflected as cash inflow in the investing activity. Of course, equipment sold investing activity है। अरे operating कैसे होंगी, financing कैसे होंगी? Leaderboard देख ले, leaderboard का position क्या है? ओ top three में थोड़ी उथल पुथल होती भी दिख रही है मेरे को, नहीं ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कार्तिक एक जरा सी मार्जिन से कार्तिक आज के विजेता रहे, तालियां बजते रहनी चाहिए, मुबारक हो कार्तिक, आज के विजेता आप रहे, निशांत रनर अप, तन्मय सेकंड रनर अप। दैट्स इट फॉर द डे, आज यहीं रुकते हैं, मैं आपको अनाउंस कर चुका हूँ, कल हमारा क्लास नहीं है, परसों नहीं है, डायरेक्टली वी आर गोइंग टू मीट ऑन मंडे। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।